उन लोगों को अंदर गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। थोड़ा चुप रहोगे क्या तुम? माल को बैग के साथ पकड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, उनको उठाने दो, उसके बाद जाते हैं। मेरी उस फ्रेंड का भाई याद है ना तुम्हें? सरा संभल कर। उसके लिए पहले हमें अंदर जाना होगा, यहाँ बैठे रहने से कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? तो इन लोगों को जानता नहीं है क्या? सबसे पहले वो लोग घर के अंदर एंट्री करते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देंगे। बिकॉज लाइफ कैन मेस विद योर हाई। वो घर उनके दोस्त का होगा तो उसको कॉल करके उससे कहेंगे रूम पे मत आना। देन कम्स द अलिबाई। घर पे डाउट ना है इसीलिए वो लोग कहानी बनाएंगे। दिल क्लियर द सिस्टम्स। नशे में कोई बेहिसाब खुश होता है तो किसी को बेहिसाब गुस्सा आता है, इसीलिए घर में जो भी खतरनाक सामान है उसे बांध कर साइड में रख देंगे। फाइनली द पाउडर। ऑन एन एवरेज कोई भी नशेड़ी 20 मिनट लेता है, विच मीन्स इट्स टाइम। पार्टी ओवर गाइस। मेरा नाम है आर्यन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमिलनाडु। ये मेरे बैचमेट्स हैं सत्या एंड वरुण। तमिलनाडु में पिछले 5 सालों से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन लगभग 60% इंक्रीज हुआ, विच इज क्वाइट अलार्मिंग। पिछले साल सिर्फ ओवरडोज से 300 लोग मारे गए। इसके अलावा ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से हुए क्राइम्स 400 से भी ज्यादा। एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट अंडर आवर नोजेस। ये देखो, ग्रुप स्टडी के नाम पर साथ में पढ़ने वाली लड़की के साथ रेप हुआ है, इसे सेक्सुअल क्राइम की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन ये हादसा होने के सिर्फ आधे घंटे पहले पाउडर कंज्यूम किया गया था। हु नोस, अगर वो डोज नहीं लिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता, पर कोई इसे उस एंगल से देख ही नहीं रहा। दिस इंक्लूड्स कोकेन, हेरोइन, मेथ, वीड एंड एलएसडी। ये हमारी टीम के हेड हैं, मिस्टर सेल्वम। नो नॉनसेंस पर्सन, पर बहुत गुस्से वाले हैं। इनके गाइडेंस में पिछले 3 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। अब तक टेम्पररी फिक्सेस ही मिले हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। पूरे शहर का एक हेड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पकड़ने के लिए 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, नया नया पाउडर यूज करने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स को उठाना। वो लोग फ्यूचर के डर से इजीली कन्फेस कर देते हैं। सर, मैंने किसके लिए लिया वो बता देता हूँ। सर सर, किसी कॉलेज स्टूडेंट के कहने पे आप डिसेंट सिटीजन को उठाकर सवाल कर रहे हैं? ये आपको सही लग रहा है क्या? आई डोंट नो एनीबॉडी सर। सर, मेरे ओनर का नाम प्रिय स्वामी है, उनके बारे में आपको जो डिटेल्स चाहिए बताता हूँ सर। स्टेज 3, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। उनका मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पकड़ में आते ही थोड़ी देर बाद पुलिस के सपोर्ट या पॉलिटिकल पार्टी की मदद से बाहर निकल जाते हैं। अब तक हम लोगों ने स्टेज 3 को पार नहीं किया। इनकी पूंछ काटते हैं तो उतनी ही बढ़ जाती है, इनके सर को कुचलना है, दैट्स द एंडिंग। बट द प्रॉब्लम इज, इस नेटवर्क के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में हमारे पास एक क्लू भी नहीं है। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। अगर आप जानते हैं तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं सर, बताइए कौन है। लेट्स मूव अहेड। नो ऑफेंस, ओके? फिलहाल उसकी आइडेंटिटी मेरे तक ही रहना सेफ है। वो बहुत पावरफुल आदमी है, हमारे डिपार्टमेंट में उसके बहुत सारे लोग हैं। इतना ही नहीं, हमें से कोई भी उसका आदमी हो सकता है। तुम्हें क्या पता, उस बड़ी मछली को पकड़ने का हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं। सो सेव योर बुलेट्स।
अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। किसी भी वजह से बार बार स्टेज 3 तक मत जाओ, वो अलर्ट हो जाएंगे। मुझे अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन एविडेंस स्ट्रॉन्ग करने दो, सही टाइम आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर आप अकेले ये सब कैसे? सिर्फ उसके आदमी हो सकते हैं क्या? एक जंगल में एक शेर था, दूसरे जानवरों का वो राजा था। अगर उससे किसी ने छेड़ दिया और हर किस्म के लोग इन नशीले पदार्थों के गुलाम हैं, और इनका इस्तेमाल करने के लिए सबकी अपनी अपनी वजह है। वाइफ के गुजरने के बाद से मैं इसे यूज करने लगा सर, मैं जानता हूँ कि यह गलत है। इसके बिना मैं स्टडी में फोकस नहीं कर पाता हूँ सर। मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से यह लत लगी है सर, और मैं अभी इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रही। सर कोई रीजन नहीं है सर, लेता हूँ तो मूड जॉली रहता है। घर पे कुछ मेहमान आए हैं। हाय। एक सप्ताह पहले उस इंसान ने इतना समझाया था, तो इसे चुपचाप बैठना चाहिए ना, ये सुनता ही नहीं है। सौम्या मैंने तुझे ठीक से काम करने के लिए कहा है, तू सुनता है क्या? यही चाहिए था ना। चल जल्दी खत्म कर और दे। ये आपके सर का भाई है दिलीप, आपकी ही उम्र का था, नालायक को ड्रग्स की लत लग गई। बाकी पेरेंट्स से ज्यादा मैंने इसको फ्रीडम देकर परवरिश की, इसलिए उसने उसे मिसयूज किया। एक दिन वो खरीदने के लिए अंबातूर के करीब एक फैक्ट्री में गया, उस वक्त पुलिस का शूटआउट चल रहा था। देखो तुम भाई बहन मिलके मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो, देखना मैं इसका बदला लूंगा तुम दोनों से। ये सब कुछ नया है क्या? रही हो चटनी दो। उससे बात हुई क्या बेटा? अभी नहीं आंटी, वो ऑलरेडी इस केस में बहुत ज्यादा बिजी है, पहले ये खत्म हो जाए। तब आपके सर भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब मैं उसे अक्सर पूछा करता था कि क्या बनना चाहते हो, वो हर दिन अलग ही बताता था। उसका दिमाग सेट था, किसी भी सूरत में जगह को ड्रग से फ्री करना चाहता था। एक पेरेंट की हैसियत से कह रहा हूं इसे छोड़ दो। तुम लोग जमीन पे क्यों बैठे? वहाँ सोफा है ना? क्यों नहीं रहे हो? नहीं आंटी, वेट बढ़ जाएगा। डाइटिंग वाइटिंग पर हो गया बेटा? जी आंटी। ये लो। अच्छा तुम लोग किस कॉलेज में पढ़ते हो? पापा माँ खाना खाने के लिए बुला रही है, जाइए। अच्छा मुगिलन ने फोन किया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जब फ्री होगा तो मिलकर आ जाना। क्या काम है उनका? पता नहीं, मिलने के लिए बोल रहे थे, खुद ही पूछ लेना। मुगिलन हमारे पड़ोसी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो चीज देखते हैं जो बातें सुनते हैं अगर वो उनको गलत लगे तो ही विल टेक इट हेड ऑन। उसके पीछे कौन है, कितने लोग हैं, उन्हें इसकी फिक्र नहीं है, इसीलिए उनका सोशल सर्कल बहुत छोटा है, पर उनका एनिमी सर्कल इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई परिवार नहीं है, मेरी जानकारी में कोई दोस्त भी नहीं है,
लेकिन हमारे घर वालों के साथ उनका अच्छा रिलेशन है। सर हमारे कॉलेज में मत बताना सर, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो तो तुम लोगों के ही हाथ में, मैं जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे तो तुम लोग यहां से जा सकते हो, वरना पुलिस स्टेशन पास में ही है, अगर वहां जाके पूछताछ करूंगा तो तुम्हारे नाम की FIR बनेगी, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। सर आप जो भी पूछेंगे हम बता देंगे। तुमने माल किससे खरीदा? सर हेलो इंस्पेक्टर नवीन B12 आर्यन कैसे हुआ? गनशॉट टू द हेड। नौकर ने पहले बॉडी को देखा था, कल सुबह जब वो घर पे आया तो इसी कंडीशन में बॉडी थी। कैन वी लुक अराउंड? श्योर। हाँ सिंधिल सर, बाहर कोई रिपोर्टर है क्या? हाँ सर बहुत सारे हैं, बोलने पर भी नहीं जा रहे हैं। देखो ये बहुत ही अनसेफ है, उनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, सो बॉडी को क्लीन करने से पहले उसको यहाँ भेजने की कोशिश करो। ठीक है? ठीक है सर। आर्यन स्टेयर्स के ऑपोजिट रूम में प्लीज चेक इट आउट, आई थिंक द किलर लेफ्ट समथिंग। या जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ का सारा काम हो गया? यस सर हो गया। इस पार्क कुछ दिखाई दिया क्या? अभी तक तो नहीं सर। किचन में कोई ब्लड के छींटे वगैरह? नहीं सर। ओ इंटरेस्ट स्पेस में एक बार अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। हमारा मास्टरमाइंड था। सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको फोन करता हूं सर। श्योर सर। कुछ पता चला? पिछले हफ्ते ही वो किसी के बारे में इंटेल गैदर कर रहे थे। किसके बारे में? नो आइडिया। ए, सुनो सर, कंप्लेन वगैरह रजिस्टर नहीं करेंगे, जब बुलाए तो आ जाना। हेलो आर्यन, नवीन हियर। बोलो नवीन। शाम में स्टेशन आ सकते हो क्या? हमारे DC कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं। B12 में आना है? या ओके आता हूं।
अच्छा बेटी, तेरा भाई घर पे आया? हाँ माँ भैया अभी आए हैं और वो बहुत अपसेट लग रहे हैं। ओ, वो उसके बहुत क्लोज था ना? ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना, हम रात तक आ जाएंगे। ठीक है, बाय। हम लोग फिर से सर के घर जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, यू नीड इट। शाम को कब जा रहे हो? 7 o'clock. हेलो आर्यन। हाँ अंकल, पापा ने मुझे बताया, अभी घर पे आ जाओ। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूं आर्यन, रात के 10 बजे तुम आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है अंकल, आता। नमस्ते मुगलिन सर। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखा जाए तो घर आए हुए मेहमान के लिए आपको यह करना चाहिए था। बात करने के मूड में नहीं लग रहे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हिंदी में एक कहावत है पता है, लातों वाले भूत बातों से कभी नहीं मानते, यह तो आपको पता ही होगा। जिसको जिस भाषा में समझ आए उस आदमी को उसी की भाषा में समझाना चाहिए। मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में किसी से पूछताछ मत करो। मैंने पिछली बार आपको इस बारे में नहीं बताया था, फिर भी आपने आर्यन को सारी बातें बता दी। इसीलिए पिछली बार तो मैंने उस भाषा में समझाया था, अब मैं अपनी भाषा में बात करूंगा। I hope that you better understand. Sir, they are from Narcotics Bureau. This is Aryan. Hello, sir. Satya. Jagannath. Hi. Varun, sir. Hi. Right. Baitho. It's okay, sir. सेल्वम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे ऐसा नवीन बता रहा था। हाँ सर, पूरे तमिलनाडु के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक मास्टरमाइंड है, उसके बारे में। तो आपको यकीन है कि उसी ने आपके सर का मर्डर किया है?
उनके रूम में जो एविडेंस था उसे डैमेज किया गया है। इसके अलावा क्या कनेक्शन चाहिए सर? पर उस आदमी के बारे में सेल्वम ने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया? नहीं सर, उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, बट उन्होंने कहा वो हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता है, मिस्टर नवीन हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सर। आप लोग जा सकते हैं। यस सर। सर, नॉर्मल मर्डर केस नहीं लग रहा, जरूर इसके पीछे कोई मोटिव है। वो घर पे हमेशा अकेले रहते थे क्या? एक्चुअली वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे। हमारे पास जो एक एविडेंस था वो भी उसने ले लिया। ठीक है, तुम जा, मैं बुलाता। आई नीड सम टाइम टू थिंक। श्योर। या नवीन, मैंने सुना आर्यन, एक्चुअली मैं 2 दिन का ब्रेक लेना चाहता। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। रात के 10 बजे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। वो बहुत पावरफुल है, डिपार्टमेंट में उसके बहुत सारे लोग हैं।